समस्त द्वारिका के सब लोग अति प्रसन्न हैं। भगवान द्वारिकाधीश इस परिवार का किस प्रकार से संचालन करते हैं। एक दिन नारद जी के मन में ऐसा भाव जगा कि व्यक्ति एक नारी के साथ में विवाह करके बड़ी मुश्किल से परिवार चला पाता है। भगवान 16108 रानियों के साथ में किस प्रकार अपने परिवार का संचालन कर रहे हैं। देवऋषि नारद जी के मन में ये भाव जगा तो द्वारिका में देवऋषि आते हैं। वैसे तो ब्रह्मचारी को ये काम नहीं करना चाहिए, किसी गृहस्थ के जीवन को नहीं देखना चाहिए, लेकिन नारद जी हैं, उनके जगह भाव देखना है। नारद जी देखने की इच्छा की है, नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा जागृत हो रही है। किसके साथ कब भोजन करते हैं, कब पानी पीते हैं, कैसे बातें करते होंगे, द्वारिका के आकार से भगवान किस प्रकार से प्रविष्ट हुए हैं, सबसे पहले प्रभु द्वारिका में रुक्मणी जी के महल में देवऋषि नारद जी आते हैं। जैसे नारद जी आए तो रुक्मणी जी ने स्वागत किया है। भगवान नारद जी के आगमन का कारण जान गए थे प्रभु कि नारद जी की मेरी गृहस्थ लीला देखने की इच्छा हो रही है। भगवान ने पूछा, नारद जी क्यों, कैसे आगमन हुआ, क्या बात है, स्वयं प्रभु होते हुए भी सन्यासी देवऋषि नारद के चरण धोते हैं। गृहस्थ व्यक्ति सन्यासी का चरण धोता है, इसलिए प्रभु आज गृहस्थ हैं और देवऋषि नारद जी के चरण पकारते हैं। नारद जी एक आवास से दूसरे आवास में गए तो वहां पर भगवान के बालक खेल रहे हैं, कोई भोजन कर रहे हैं, कोई सो रहे हैं। इस प्रकार नारद जी कई महलों में गए, भगवान के तो अनेक रूप हैं, अनेक रूप रूपाये विष्णवे प्रभु विष्णवे। नारद जी सुबह से शाम हो गई, कई महलों के अंदर नारद देवऋषि नारद जी जा रहे हैं, प्रभु सब जगह हैं, कुछ न कुछ कार्य करते मिल रहे हैं। नारद जी को एक दिन हो गया, दूसरे दिन नारद जी सुबह सुबह और जल्दी गए। सुबह 4 बजे देवऋषि नारद जी अब छिप करके देखने लगे कि भगवान क्या कर रहे हैं। प्रातःकाल एक भवन में प्रभु एक खिड़की से देवऋषि नारद जी छिप के भगवान की दिनचर्या को देख रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार से अपने परिवार का निर्वाह कर रहे हैं। तो भगवान अपनी सैया पर बैठ करके नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। देखो, एक होती है ब्रह्म वेला और एक होती है अमृत वेला। प्रातःकाल 3 बजे से लेकर 4:30 बजे की जो वेला है वो है अमृत वेला, ब्रह्म वेला, और जो 4:30 से 6 बजे तक की वेला है अमृत वेला। तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ब्रह्म वेला में उठ करके ध्यान कर रहे हैं। तो नारद जी के मन में ऐसा भाव जगा कि पूरा संसार तो भगवान का ध्यान करता है, लेकिन भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं। तो नारद जी विचार करने लगे कि आज प्रभु से पूछे तो सही।
प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हो, भक्त लोग तो आपका ध्यान करते हैं। तो नारद जी 4 बजे ही 3 बजे ही भगवान के उस भवन में पदार्पण किया है। भगवान ने स्वागत किया, ऋषिवर पधारो। तो नारद जी से रहा नहीं गया कि प्रभु आप अपने पलंग पर बैठ करके क्या ध्यान कर रहे थे। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। कितने बजे? 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं कि कौन कौन भक्त मुझे याद करता है। देखो, किसी बड़े व्यक्ति से मिलना हो तो पहले अपन को समय लेना पड़ता है ना कि आप इतने बजे मिलोगे कि नहीं। तो भगवान से बड़ा कौन होगा? लोकाध्यक्षम सुराध्यक्षम, जो पूरे सभी लोगों का अध्यक्ष है, तो उनको कहां समय। तो नारद जी पूछ रहे हैं, प्रभु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? तो भगवान बार बार कह रहे हैं, नारद जी आपको पता नहीं, इस संसार में मेरे भक्त हैं, उनका मैं ध्यान करता हूं। प्रभु ध्यान करते हुए अपने भक्त को देख रहे हैं। वो होती है ब्रह्म वेला। 3 बजे से जो ब्रह्म वेला प्रारंभ होती है, उस वेला को कहते हैं ब्रह्म वेला। और उस वेला में कोई भी भक्त अपने सैया पर बैठ करके प्रभु का ध्यान करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, तो उसका धीरे 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 भगवान के प्रति रुझान हो जाता है और एक न एक दिन प्रभु का कृपा हो जाती है, दर्शन हो जाता है। लेकिन वो वेला के अंदर उठना पड़ेगा। बता दिया ना आपको, 3 से 4:30 के बीच में अपने सैया पर आप स्नान मत करो, मुंह धो लो और अपने सैया पर बैठ करके भगवान का ध्यान करो। बहुत ये ब्रह्म वेला बहुत ही कृपा कराने वाली है, इससे ब्रह्म का ध्यान आपका जल्दी लग जाता है। तो भगवान के देखो ये नंबर नोट कर लेना, आप लिख लेना, आप रोज रोज इन नंबरों को डायल करोगे ना तो कभी ना कभी एक दिन बाद भी हो जाएगी आप। तो नंबर लिखना, ये ब्रह्म वेला में कितने अक्षर हैं? ब र है और म, ब्रह्म। तो आप वर्णमाला के अक्षर को थोड़ा गिनती करना। ब अक्षर वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? 23वां। र वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? 27वां। तो 27 और 33 कितने हुए? 50। ब र है वर्णमाला का है 33वां अक्षर। 50 और 33, भाई मेरी गणित कमजोर है, जोड़ते रहना ना, तो 83, ठीक है ना। और है वर्णमाला का कौन सा अक्षर है? 25वां। तो 83 और 25 कितने हुए? 108। देखो हमारे यजमान की गिनती बहुत ही तेज है, तुरंत ही जोड़ देता है, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं। आज का व्यक्ति क्या करता है, कितने 25 और 50 जोड़ना है तो लाओ बोले कैलकुलेटर निकालो अभी मोबाइल से। तो महाराज कितने हो गए? ब र है म, ये वर्णमाला के तीनों चारों अक्षरों को जोड़ेंगे तो इनकी गिनती आती है 108। तो आपके मोबाइल से डायल करोगे तो नहीं मिलेगा, जो आपके घर में माला है ना 108 मन का की, उस माला से आप अपने सैया पर बैठ करके बार 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 घुमाओ, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपका जो भी इष्ट है उस नाम को पुकारो। कितने बजे? 3 से 4:30 के बीच।
तो बार 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 पुकारोगे तो एक न एक दिन आपका मोबाइल भगवान को लग जाएगा। भगवान कहेंगे हेलो कौन बोल रहे हैं? बोले नागपुर से बोल रहे हैं। क्यों क्या काम है? बोले हमारा मंगल कब होगा? तो भगवान कहते हैं अब तुम्हारा ही नंबर है, मंगल ही मंगल होगा तुम्हारे। श्री हरि भगवान की। तो भाई उस वेला में उठ करके जो अपना मंगल चाहता है तो भगवान को पुकारो, ये है ब्रह्म वेला। एक होती है अमृत वेला जो 4:30 से 6 बजे तक। इस वेला के अंदर में जो स्नान कर लेता है, स्नान भी 3 प्रकार के, आप नंबर लगाना कि अपन कौन सा स्नान करते हैं। एक होता है ऋषि स्नान, एक होता है मनुष्य स्नान और एक होता है राक्षस स्नान। 4:30 से 5:30 तक का स्नान हो गया ऋषि स्नान और 5:30 से 6 बजे तक का हो गया मनुष्य स्नान। अब सूर्योदय हो जाए उसके बाद जो होता है वो होता है राक्षस स्नान। तो अपना नंबर लगा लेना कौन से पद्धति में आ रहे हैं। लगता है सब ऋषि स्नान वाले हैं। श्री हरि भगवान की। तो भाई ये बातें क्यों बता रहे हैं कि छोटी छोटी बातों में अपने जीवन का बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। भगवान द्वारिका जी का इतना बड़ा परिवार होने के बाद भी प्रभु ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने भक्तों का ध्यान करते हैं। इस प्रकार से भगवान की दिनचर्या देखते देखते देव ऋषि नारद जी, 1 दिन हो गया 2 दिन हो गया, अंत में भगवान कहने लगे कि नारद जी थक जाओगे, 6 महीने में मेरे भवनों को नहीं देख पाओगे। 16,108 भवन बने हैं, क्या इच्छा है आपकी? तो नारद जी कहने लगे कि प्रभु हम तो आपकी दिनचर्या ही देख रहे थे। भगवान देव ऋषि नारद जी को कहते नारद जी मेरी कृपा जिस भक्त पर बनती है वह कहीं पर भी रहे, मेरा नित्य स्मरण जो करता है उस जगह में प्रकट हो जाता हूं। तो 16,108 तो बहुत कम है, जितने भक्त हैं उतने भक्त मेरे को पुकारे तो उतना रूप में धारण कर लेता हूं। नारद जी भगवान को प्रणाम करने लगे हैं, प्रभु आपकी माया को हम समझ नहीं पाते। ऐसे भगवान द्वारिका के अंदर में समस्त अपने परिवार जनों के साथ में, पत्नियों बेटे पोतों के साथ में रह रहे हैं। महाराज प्रभु की दिनचर्या अत्यंत ही रमणीय है, आनंदमयी है। जो भगवान द्वारिकाधीश के परिवार की बातें श्रवण करता है उसके परिवार में आनंद ही आनंद हो जाता है। इसलिए द्वारिकाधीश भगवान के परिवार की बातें बड़े प्रेम से श्रवण कीजिए। प्रभु एक दिन दोपहर के समय में द्वारिकाधीश प्रभु विश्राम कर रहे हैं, उस समय रुक्मिणी जी भगवान को पंखा कर रही है। देखो आजकल तो छोटी छोटी पंखियां चली है, पुराने जमाने में बहुत बड़ा पंखा होता था जो रस्सी से बांध ले और सामने वाला व्यक्ति यहां बैठा बैठा खींचे तो सामने वाले को हवा लगे। और कभी आप वृंदावन जाओ तो बरसाने में जाना, बरसाने में भी ये पंखा आज भी लगा है। जो राधा रानी की सेवा करता है, जो भक्त जाता है वो रस्सी को खींचता है और राधा रानी को हवा लगती। तो ऐसे दोपहर का समय था, ग्रीष्म काल था, उस समय रुक्मिणी जी भगवान द्वारिकाधीश प्रभु को पंखा कर रही है। जैसे ही पंखा कर रही थी तो आज प्रभु को थोड़ा सा विनोद करने की इच्छा हुई। द्वारिकाधीश भगवान ने सोचा कि
16108 रानियां हैं, उनमें से सब रानियों ने थोड़ा थोड़ा क्रोध दिखा दिया। और सत्यभामा तो दिन में दो बार झगड़ा कर लेती थी ना, अब क्यों करती है तो मालूम है आप? ज्यादा पैसे वाले की बहू बनाकर घर लाओगे तो दो बातें सुनना ही पड़ेगा, इसलिए बराबर वाले की लाना। क्योंकि सत्यभामा के यहां से रोज 8 बार सोना आ रहा है ना, तो भगवान द्वारिकाधीश विश्राम करते करते द्वारिकाधीश भगवान को आज विचार आया कि रुक्मिणी जी आज इतने दिन हो गए कभी भी रुक्मिणी जी ने क्रोध नहीं किया है, कभी गुस्सा नहीं किया। तो आज द्वारिकाधीश प्रभु को ऐसा विचार आया कि आज देखें रुक्मिणी जब क्रोध करती है तो रुक्मिणी का चेहरा कैसा लगता है। रुक्मिणी हमेशा मुस्कुराती रहती है वो तो देख लिया, लेकिन जब क्रोध करती है तो रुक्मिणी का सौंदर्य कैसा लगता है ये देखे। तो आज प्रभु द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी से कहने लगे, रुक्मिणी जी कन्याओं की बुद्धि है जो कच्ची हुआ करती है। तो रुक्मिणी जी कहने लगे कि प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं? बोले देखो रुक्मिणी जी, मेरे को तो विवाह कोई कर नहीं रहा था तो मैंने देव ऋषि नारद जी को खूब लड्डू खिलाए। क्यों खिलाए? कि नारद जी कहीं न कहीं कोई कन्या दे करके मेरा भी विवाह कर देना। तो नारद जी ने जाकर के तेरे पिता भीष्म को बढ़ाई कर दी। क्या बढ़ाई की? कि द्वारिकाधीश ही तुम्हारी कन्या रुक्मिणी के साथ विवाह योग्य है। आज प्रभु रुक्मिणी जी से कहते हैं कि देखो रुक्मिणी जी, मैं कितना श्याम वर्ण का हूं और तुम कितने गौर वर्ण की हो, तो तुम्हारी और मेरी जोड़ी जमती भी नहीं है। ये बात कही तो रुक्मिणी ने कुछ कहा नहीं, सुनती रही। भगवान ने देखा रुक्मिणी कुछ भी क्रोध नहीं की। दूसरे संबोधन में प्रभु कह रहे हैं कि रुक्मिणी जी हमारा समाज में कोई ज्यादा मान प्रतिष्ठा भी नहीं है, हमको समाज में लोग रहने नहीं दिया तो हम द्वारिका में इस पानी के पानी में आकर के द्वारिका निर्माण किया है, द्वारिका हमने बसाई है, इसलिए समाज में हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, कोई हमें रहने भी नहीं देता। और रुक्मिणी जी तीसरे संबोधन में भगवान कहने लगे कि हमारा गुणगान कोई ज्यादा पैसे वाले लोग नहीं करते हैं, हमारा गुणगान तो ये जो तुम्हाधारी लोटाधारी सोटाधारी जटाधारी ये कहते रहते, ये हमारा कीर्तन करते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, सीताराम मेरी समाज में कोई इज्जत नहीं है तो मैं द्वारिका का निर्माण पानी में किया हूं, मेरा गुणगान तो ये सब
साधु लोग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जटाधारी लोटाधारी सोटाधारी ये सब बैठ करके मेरा कीर्तन करते हैं। रुक्मणी जी, इसलिए आपने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे साथ विवाह करके। मैं तो गांव का ग्वाला हूं, ये द्वारिका में बसाली जरूर है, लेकिन मखमल के गद्दे बनाए हैं, इन पे मेरे को नींद भी नहीं आती। मैं तो नीचे कंबल बिछा के सोता हूं तभी मेरे को नींद आती, क्योंकि गांव में गैया चराता था तो वृक्ष के नीचे सो जाता था। तो ये मखमल के जो गद्दे बने हैं ना, इन पे मुझे नींद भी नहीं आती है। रुक्मणी ने सब बातें श्रवण करती रही, सुनती रही। अंत में भगवान ने कहा कि रुक्मणी को क्रोध तो नहीं आ रहा, तो भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपकी इच्छा हो तो कोई दूसरा राजकुमार दे करके विवाह कर लो। अब ये बात कही तो रुक्मणी जी एकदम उदास हो गई, धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भगवान ने देखा ये क्या हुआ, क्रोध तो आया नहीं, काम उल्टा हो गया। और प्रभु द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को उठा करके पलंग पे सुला देते और भगवान खुद पंखा करने लगे। थोड़ी देर में रुक्मणी जी मूर्छा दूर हुई, रुक्मणी जी पलंग से खड़ी होकर के भगवान को हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु आपने ये क्या कहा, थोड़ा सा क्रोध रुक्मणी जी ने किया और भगवान ने तुरंत कैमरा में फोटो खींची। श्री हरि भगवान की जय। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु आपने ये क्या कहा, तो भगवान कहने लगे देखो आज हमको थोड़ा समय था इसलिए हमने आपके साथ में थोड़ा विनोद कर लिया। देखो पति पत्नी के बीच में थोड़ा बहुत विनोद होना चाहिए, एकदम सीरियस जीवन नहीं जीना। कभी वो रूठ जाए तो आप मनाओ और आप रूठ जाए तो वो मनाएंगे, ऐसे मंदे मनाते जीवन नैया पार करते रहो। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मणी के साथ में विनोद कर रहे हैं, तो रुक्मणी जी कहते हैं कि प्रभु आपने जो बातें कही एकदम सही बात कही है। आपने कहा कि मैं श्याम वर्ण का हूं, मैं गोर वर्ण की हूं, अगर प्रभु आप गौर वर्ण के होते तो पता नहीं क्या होता। इस काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। हो करके इतना तड़पाती है,
पास के हो करके इतना तड़पाती है, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ए शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मनाने की बोले शाम प्यारे की, रूठों को मनाने की कल तुमको आती है, रूठों को मनाने की ये शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ये शाम तेरी बंसी सांवले रंग पर भी कहते हैं अभी भी इश्क में मेरी शाम की लाखों बीमार हैं, अभी भी इश्क में मेरी शाम के लाखों बीमार हैं, और लाखों चले गए फिर भी लाखों तैयार हैं। इस बोरे इस सांवले रंग पर भी दुनिया मर जाती है, तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, और मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, ऐ शाम पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले द्वारिका
भगवान की परिवार की जो बातें श्रवण करता है, मंगल निदान के चरित्रों को जो श्रवण करता है, उसके जीवन में मंगल होता है। देखो अपनी कथा कहां चल रही है, मालूम है ना? अपनी कथा कहां चल रही है? अभी कौन सा प्रसंग चल रहा है? बहुत अच्छे श्रोता है, सब मालूम है। देखो एक पर्वत पर से एक मक्खी उड़ी। एक गांव में कथा हो रही थी तो व्यास जी ने कहा कि देखो श्रोताओं, कोई बात समझ में आए तो उनको तो समझ में आए या ना आए, कहते बोले हां महाराज। व्यास जी कहते बात समझ में आ गई, बोले हां महाराज। तो व्यास जी को थोड़ा ऐसा विनोद की जची, तो व्यास जी ने कहा कि देखो श्रोताओं, एक पर्वत पर से एक मक्खी उड़ी। तो आधे श्रोता सो रहे थे, बोले हां महाराज। बोले वो उड़ करके एक मिठाई की दुकान पर गई, बोले परम सत्य महाराज, और उस मिठाई की दुकान से 5 किलो की जलेबी उठाई, बोले हां महाराज परम सत्य। बोले खाक परम सत्य, 5 किलो जलेबी उठाएगी मक्खी? तो भाई अपने श्रोता तो ऐसे नहीं है, सबको मालूम है कथा कहां चल रही है ना, बताते नहीं है। बस रुक्मणी जी का प्रसंग चल रहा है ना, रुक्मणी जी के साथ में प्रभु क्या कर रहे हैं? विनोद कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी कह रहे हैं कि प्रभु आपने जो बातें कही एकदम सही बातें कही है कि आप श्याम वर्ण के हैं, आप गोरे होते तो पता नहीं क्या हो जाता, और आप कहते हैं कि मेरी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं है, आपने समुद्र में द्वारिका का निर्माण किया है, तो प्रभु आप सबके साथ थोड़ी रह सकते हैं, आपत्कारी हैं, काम विदारी हैं, आप तो सबके साथ नहीं रह सकते। उनके हृदय समुद्र में रहते हैं, जिनके अंदर में कोई काम की वासनाएं नहीं रहती, उसके हृदय रूपी समुद्र में आपका निवास होता है। तीसरे संबोधन में कह रहे हैं कि मेरा गुणगान ये लोटाधारी सोटाधारी करते हैं, तो प्रभु सच्चा धन तो आपका नाम ही है ना। धनवान लोग करे नहीं करे, लेकिन ये साधु संत है जो आपका कीर्तन करते हैं, सच्चा धन तो प्रभु आपका नाम है। मीराबाई ने कहा है, नहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो सच्चा धन प्रभु आपका नाम है। सांसारिक धन तो यही रह जाएगा, लेकिन आपके जो नाम रूपी धन है वो जीवात्मा के साथ जाता है, तो प्रभु आपका वो सच्चा धन है। रुक्मणी जी कहने लगी, तो प्रभु आप क्या कहना चाह रहे थे? तो भगवान ने कह दिया कि रुक्मणी जी, मैंने तो देखा आज तक आपको क्रोध नहीं आया, इसलिए आपको थोड़ा सा चेहरे पर देखता रहा कि रुक्मणी जी क्रोध में कितनी सुंदर लगती है। श्री हरि भगवान की जी। ऐसे भाई द्वारिकाधीश प्रभु भी कभी कभी विनोद करते हैं। एक दिन प्रभु अपनी राजसभा में बैठे हैं, उस समय महाराज युधिष्ठिर जो हैं राजसु यज्ञ करने के लिए द्वारिकाधीश भगवान को निमंत्रण पत्रिका भेजी है, और जैसे ही निमंत्रण पत्रिका आई उसी समय एक दूत आ गया जरासंध के यहां से, कि जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना बना करके अपने कारागृह में चक्कियां चलवाने लगा कि गठिया पीसो। तो सब राजा लोग एक दूत को नियुक्त किया और कहा कि आप गुप्त रूप से द्वारकाधीश भगवान से प्रार्थना करो कि हमें इस जरासंध के कारागृह से हमें मुक्त हो जाए। तो पहले आया युधिष्ठिर जी के यहां से निमंत्रण पत्रिका। तो ये राजसु यज्ञ क्या होता है?
उद्धव से पूछा, उद्धव राजसु यज्ञ क्या होता है? तो उद्धव ने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को बुलाया, पूछने लगे कि राजसु यज्ञ क्या होता है। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित कहने लगे कि महाराज उद्धव, राजसु यज्ञ वह व्यक्ति कर सकता है या तो सब देश के राजा लोग उसकी मित्रता कर ले, या फिर उन सब राजाओं के ऊपर में वह विजय प्राप्त कर ले, वह व्यक्ति ही राजसु यज्ञ कर सकता है। तो भगवान द्वारकाधीश कहने लगे कि अपन युधिष्ठिर राजसु यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन जरासंध को तो उसने जीता नहीं, वो तो कई राजाओं को बंदी बना करके बैठा है। तो महाराज भगवान बलराम जी को साथ में लेकर के रथ तैयार किया है, सबसे पहले कहां जाए विचार करने लगे। पहला निमंत्रण युधिष्ठिर का आया है, दूसरा निमंत्रण जरासंध के यहां कारागृह में बंद राजाओं ने बुलाया है। देखो कभी कभी आदमी के जीवन में समस्या आ जाती है कि एक ही साथ चार काम निकल जाते हैं। ननिहाल में कुछ काम है, कभी समाज में, कभी मायके में, कभी ससुराल में, एक ही समय काम निकल जाए तो व्यक्ति उलझन में पड़ जाता है कि कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं। तो भगवान द्वारकाधीश कह रहे हैं कि व्यक्ति को स्पष्टवादी होना चाहिए, एक जगह चले जाए और तीन जगह कह देना कि भाई हम मन से तो आपके पास रहेंगे, लेकिन तन से आपके पास में इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे स्पष्ट कह देना। तो द्वारकाधीश भगवान स्पष्ट कहते थे, तो आज प्रभु द्वारकाधीश जरासंध के यहां पर जा रहे, तो मार्ग में हस्तिनापुर भी आ रहा है। तो रथ पर बलराम जी और भगवान कृष्ण बैठे हैं, रथ दौड़ते दौड़ते हस्तिनापुर गया है। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को पूछने लगे, अरे युधिष्ठिर तुमने जरासंध के ऊपर में विजय प्राप्त की कि नहीं की? तो युधिष्ठिर कहता है कि महाराज केवल जरासंध ही बचा है, उसके ऊपर में विजय प्राप्त कर ही लेंगे तो फिर हमारा राजसु यज्ञ होने वाला है। महाराज भगवान कृष्ण भीम को साथ में लिया है, बलराम जी को वहीं पर छोड़ दिया। भीम भगवान कृष्ण दोनों दौड़ते दौड़ते रथ में बैठे हैं, रथ को दौड़ाते दौड़ाते महाराज जरासंध के यहां पर पहुंचे हैं। जैसे ही जरासंध के यहां पर पहुंचे, भगवान कृष्ण और भीम 27 दिन तक भीम जरासंध से युद्ध करता रहा। एक दिन भीम कहने लगा कि प्रभु अब मेरे से युद्ध नहीं होगा, क्योंकि ये जरासंध को मैं खूब मारता हूं लेकिन ये वापस जीवित हो जाता है। युद्ध काल का समय समाप्त होता है, प्रातः काल पता नहीं इसने कौन सी संजीवनी बूटी खाता है, वापस युद्ध के मैदान में आकर खड़ा हो जाता है। तो भगवान कहने लगे कि दूसरे दिन युद्ध हो तो तुम मेरी तरफ देखना। दूसरे दिन युद्ध हुआ, भीम और जरासंध युद्ध करने लगे। भगवान कृष्ण पीछे खड़े हैं। अब की बार भीम ने क्या किया कि जरासंध के दोनों पैर पकड़े और दोनों पैरों को पकड़ करके यूं खींचा तो उसके शरीर के दो भाग हो गए। भगवान ने भीम की ओर इशारा किया कि इधर का भाग इधर डाल दो, इधर का भाग इधर डाल दो, तभी ये मारे जाएगा, नहीं तो मारा नहीं जाएगा। तो भीम ने इस प्रकार भगवान का इशारा पा करके दोनों शरीर के टुकड़े करके इधर उधर डाल दिए। जरासंध मारा गया।
अब तो प्रभु भीम इस युद्ध पर विजय प्राप्त की है। तो भीम ने जरासंध के कारागृह को खोला, भगवान कृष्ण गए हैं, समस्त राजाओं को कारागृह से मुक्त किया है। भीम ने राज खजाने को खोला तो राज खजाने में एक बहुत बड़ा सुंदर मुकुट दिखा। उस मुकुट को देखा तो भीम का मन हो गया कि इस मुकुट को तो अपने राज खजाने में ले जाएं। तो भगवान कहने लगे कि भीम, ये लोभ का प्रतीक है, इस मुकुट को मत ले जाना। भीम कहता है कि प्रभु आप कहो तो हम पहनेंगे नहीं, लेकिन ये मुकुट बहुत सुंदर है, इस मुकुट को हम हमारे खजाने में ले जाकर के रख देंगे। और वो ही मुकुट है जो राजा परीक्षित ने पहना और ये पूरी कथा तैयार हो गई। परीक्षित ने जो मुकुट पहना तो परीक्षित के मस्तक में कलयुग घुस गया था ना, और ब्राह्मण का अपमान कर दिया। तो महाराज भीम युद्ध पर विजय प्राप्त करके आ जाते हैं। युधिष्ठिर राजसु यज्ञ करने लगा है। जैसे ही राजसु यज्ञ के अंदर में समस्त राजाओं को बुलाया, बड़े बड़े ऋषि लोग आए हैं, महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि मैं राजसु यज्ञ प्रारंभ करने से पूर्व एक पूजनीय व्यक्ति का पूजन करूं, सम्माननीय व्यक्ति है उसका मैं एक बार पूजन करूं। तो बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वो कहने लगे कि जहां पर भगवान कृष्ण बैठे हैं इस समय हमारा पूजन नहीं हो सकता, आप भगवान कृष्ण का पूजन करो। तो द्रौपदी सुंदर कलश लिया, थाली ली, मांगलिक वस्तुएं सजाई है, और द्रौपदी जी धीरे 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 भगवान कृष्ण के सिंहासन की ओर बढ़ने लगी। उसी समय एक आवाज आने लगी, अरे अरे किसकी पूजा हो रही है? कृष्ण की पूजा हो रही है, ये किसी की पत्नी को भगाने वाला गोपाल ग्वाल बाल। और उस भरी सभा के अंदर में भगवान को गाली देने लगा। भगवान कुछ बोले नहीं, फिर भी वह शिशुपाल चुप नहीं हुआ। तो भगवान कहने लगे कि अरे शिशुपाल, 90 गाली हो गई है, अब चुप हो जा। देखो बात ऐसी थी कि जब शिशुपाल का जन्म हुआ था ना, तो शिशुपाल के 3 नेत्र थे और 4 हाथ थे। तो शिशुपाल की मां बड़ी दुखी हुई कि कैसा विचित्र बालक हुआ है। लेकिन जन्मते से ही आकाशवाणी हुई कि जिसकी ये गोद में जाएगा, जिसकी गोद में जाते से ही इसके 2 हाथ झड़ जाएंगे और 1 आंख झड़ जाएगी, उस व्यक्ति के हाथ से ही इस बालक की मृत्यु होने वाली है। ये आकाशवाणी ने शिशुपाल की मां को ये बात कही। तो एक बार भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो एक बार अपनी मौसी से मिलने के लिए गए, और शिशुपाल जब छोटा था तो भगवान कृष्ण शिशुपाल को अपनी गोद में ले लिया। और जैसे ही भगवान ने गोद में लिया और लेते से ही शिशुपाल के 2 हाथ गिर गए, 1 आंख गिर पड़ी। तो शिशुपाल की मां रोने लगी। तो भगवान कहने लगे, मौसी जी आप रो क्यों रही हैं? बोले, बेटा रो क्यों नहीं, जब इसका जन्म हुआ था तो आकाशवाणी ने ये शब्द कहे थे कि जिसकी गोद में जाते से इसके 2 हाथ अपने आप गिर जाएंगे, 1 आंख गिर जाएगी, उसी व्यक्ति के हाथ से इसकी मृत्यु होने वाली है। तो भगवान कहने लगे कि मौसी जी, जब आकाशवाणी हुई है ना तो काम हो गई। तो मौसी कहने लगी, कृष्ण ऐसे स्पष्ट क्या कहते हो? तो भगवान कहने लगे, स्पष्ट कहना और सुखी रहना।
देखो मौसी जी, मेरे मामा जी को आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां गर्भ काल बनेगा, तो देखो मैंने मामा को मृत्यु के योग में बना दिया ना, मार दिया ना। तो मौसी और ज्यादा रोने लगी, कृष्ण इसने 100 अपराध करे तब तक तो मत मारना। तो भगवान ने कहा ठीक है, जब तक मेरे को 100 गाली देगा तब तक मैं शिशुपाल को मारूंगा नहीं। अब तो उस भरी सभा के अंदर में भगवान को अपमान करने लगा, गालियों पर गाली देने लगा। तो भगवान कहने लगे शिशुपाल अब चुप हो जाओ, तुम्हारी 95 गाली हो गई है। लेकिन शिशुपाल चुप नहीं हुआ, भगवान को निरंतर गाली देता रहा। जैसे ही 100 गालियां हो गई, 100 अपराध हुए, उसी क्षण भगवान के हाथ से चक्रराज सुदर्शन निकला और शिशुपाल की गर्दन जाकर के काट डाली। श्री हरि भगवान की। शिशुपाल से एक दिव्य तेज निकला और भगवान के अंदर समाहित हो गया। अब प्रभु द्वारिकाधीश का अग्रगण्य पूजा होने लगी। भगवान द्वारिकाधीश अग्रगण्य पूजा कराने के बाद में यज्ञ हुआ, राजसु यज्ञ संपन्न हुआ, तो सब लोग प्रसाद पाने लगे। भगवान द्वारिकाधीश उस सभा के अंदर में सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो भगवान ने देखा कि मैं अग्रगण्य पूजा करा ली, को इसका मतलब यह नहीं कि मैं कुछ काम नहीं करूं। तो भगवान द्वारिकाधीश एक जगह 2-4 पत्तल जूठी पड़ी रह गई, तो भगवान ने अपने कुर्ते की आस्तीने ऊपर की है और जूठी पत्तल उठा उठा करके बाहर रखने लगे। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो जामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। युधिष्ठिर दौड़ करके भगवान के चरणों में गिर जाता है, कृष्ण हमारे ऊपर ऐसे ही दया की वृष्टि करते रहना, हमारी जीवन की नैया तो तुम्हारे हवाले है कृष्ण। इस प्रकार पांचों पांडव भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, अपन भी भगवान को थोड़ा पुकारें। वो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है बंसी तेरे अधर की, हम है बंसी।
हमारा सत्संग चल रहा है ना, कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, तो हर जगह की अलग अलग शोभा होती है ना। बाग की शोभा कैसे होती है? माली से। बाग की शोभा माली से, और भोजन की शोभा थाली से। बाग की शोभा माली से, भोजन की शोभा थाली से। तो भैया कान की शोभा कैसे होती है? बाली से। हर चीज की अलग अलग शोभा है। तो अपन भी यहाँ काय के लिए बैठे हैं? भगवान के कीर्तन में बैठे हैं। तो यहाँ एकदम मूर्ति बन करके नहीं बैठना, दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान के हवाले कर दो। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, चाहे तो जैसा न चाले, मुरलिया वाले, चाहे तो जैसा न चाले, मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, अरे मुरलिया वाले, हो रे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, ओ मुरलिया वाले, जीवन है भगवान की।
युधिष्ठिर जी ने राजसु यज्ञ संपन्न किया, भगवान द्वारिकाधीश जूठन उठा उठा करके बाहर डाल रहे हैं, तो सभी पांडव दौड़ करके कहते हैं प्रभु ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना। ऐसे भगवान के पांचों पांडवों ने भगवान से प्रार्थना की है। परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि प्रभु भगवान द्वारिकाधीश के कोई मित्र नहीं था क्या? सुखदेव मुनि कहते हैं अरे परीक्षित बहुत ही सुंदर बात पूछी है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणोर् ब्रह्मवित्तमः जितेन्द्रिये इन्द्रियार्थेषु जितेन्द्रिये इन्द्रियार्थेषु भक्तानां समन्वितः। परीक्षित भगवान के एक मित्र था, जब भगवान उज्जैन में शांतिपनी गुरु के यहाँ पर विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे, 64 दिन तक भगवान ने विद्या अध्ययन की, उस समय एक सुदामा नाम के बालक से प्रभु की मित्रता हुई है। 64 दिन तक पढ़ने के बाद में द्वारिकाधीश प्रभु मथुरा लौट आए, फिर द्वारिका आए, सुदामा जी अपने सुदामा नगरी चले गए। सुखदेव मुनि कहते हैं राजन देखो सुदामा जी का ऐसा दिव्य चरित्र है, पोरबंदर में रहने वाले सुदामा जी महान ज्ञानी है, जितेंद्रिय है, पवित्र ब्राह्मण है, भगवान कृष्ण का परम मित्र है, ज्ञान का फल है, मान प्रतिष्ठा नहीं परमात्मा से मिलने का एक साधन है। सुदामा के घर में दरिद्रता का राज्य नहीं है, गरीबी जरूर है लेकिन सुदामा दरिद्र नहीं है। उनके जैसे ही सुदामा की पत्नी है जिसका नाम है सुशीला, जैसा नाम है वैसा उस नारी में गुण है। सुशीला के पास एक ही वस्त्र है, महान पतिव्रता है, धन संपत्ति युक्त से पति से प्रेम करने वाली, लेकिन सुशीला के पास एक ही साड़ी है। विवाह होकर के तब आई है सुशीला, घर के अंदर जो सी परिस्थिति है उसी में प्रसन्न है। सुशीला को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, फिर भी घर में कभी क्लेश नहीं करती, वह कभी अपने पति से सुदामा जी से ये नहीं कहती कि आप धन लेकर के आओ, आप तो विद्वान हो, कभी नहीं कहती। जैसा घर में रूखा सूखा मिल जाता बना करके भोग लगा देती, सुदामा जी को दे देती। सुदामा जी अपने कुटिया में बैठ करके सुबह से शाम तक भगवान कृष्ण कथा कहा करते थे। एक दिन कृष्ण कथा सुबह से शाम तक चली, पति कथा कहता है और पत्नी सुशीला श्रवण करती है। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि जो द्वारिका का राजा है कृष्ण, सुशीला वो मेरा लंगोटिया यार है, मित्र है, हमने विद्या अध्ययन की थी तो 64 दिन तक हम एक साथ रहे हैं, तो सुशीला के आज मन में ऐसा भाव जगा, आज 5 दिनों से घर में भोजन नहीं बना है। सुशीला सायंकाल के समय में भगवान सुदामा जी के सामने खड़ी होकर हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे प्राणनाथ
मैं कहती तो नहीं, लेकिन आज 5 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं विवाह होने के बाद में आज तक आपसे कभी वस्त्र नहीं मांगे, कभी मिठाई नहीं मांगी। शीस व्यतीत गयो तब ही, सर्दी का मौसम आता तो मैं आग जला करके अपने शरीर को गर्मी दे लेती थी। कभी आपसे खाने की इच्छा होती तो कभी मिठाई नहीं मांगी। हे प्राणनाथ, मैं आपसे आज एक विनती कर रही हूं कि आप एक बार द्वारिका जाकर के आओ। आपने कथा में कहा था कि जो द्वारिका का कृष्ण है वो आपका परम मित्र है। महाराज, सुदामा जी कहने लगे कि देवी, मैं कभी भी अपने मित्र से मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। सायंकाल का समय बात कर रहे थे, रात्रि हो गई, दोनों पति पत्नी सो गए। अर्ध रात्रि होगी तो सुदामा के मन में भाव जगा कि मेरी पत्नी आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगी, आज इतना ही तो कह रही है कि आप द्वारिका जाइए और द्वारिकाधीश प्रभु का आप दर्शन करके आ जाइए। तो ऐसी पत्नी कहां मिलेगी। आज सुदामा जी अपने अर्ध रात्रि को अपनी कुटिया में बैठे जाते हैं, विचार करने लगे कि मैं अपने मित्र के साथ कभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, अपने मित्र के घर कभी खाली हाथ नहीं जाऊंगा। सुदामा जी के घर में बाप दादाओं की कई मटकियां पड़ी है, इन मटकी में हाथ डालते टटोलते लेकिन कुछ नहीं मिलता। ऐसे करते करते 8-10 मटकियां देख ली, लेकिन किसी मटकी में कुछ भी नहीं मिला। एक मटकी हाथ से छूट करके गिर पड़ी, आवाज आई, सुशीला जग गई। प्राणनाथ, क्या कर रहे हो। बोल, कर के आ रहा हूं देवी, आप कहती हो कि द्वारिका के अंदर जाओ, प्रभु का दर्शन करके आओ, तो मैं अपने मित्र के हाथ घर में कभी खाली हाथ नहीं जाता। सुशीला ने देखा कि मेरा पति जाने को तैयार तो हुआ है। प्रातः काल हुआ और सुदामा जी की पत्नी सुशीला आस पड़ोस के घर में गई, जाकर कहने लगी, अरे भले घर की नारी, आज हमारे पति कहीं गांव जा रहे हैं, आप थोड़ा चावल दे दो। तो कई नारियों ने तो सुदामा की पत्नी सुशीला को खूब डांटा, सुबह सुबह मांगने आ गई। सुशीला एक घर गई है, दो घर गई है, यह दशा प्रभु द्वारिकाधीश अपने द्वारिका में देख रहे हैं कि मेरा मित्र मेरे पास आने की इच्छा तो कर रहा है, लेकिन मेरे मित्र के पास में कोई उपाना वस्तु नहीं है। मेरे मित्र की पत्नी आज जगह जगह मेरी प्रसाद की व्यवस्था करने के लिए जुटी है। 2-4 घर में गई तो किसी भले घर की नारी ने थोड़ा एक मुट्ठी चावल डाला। ऐसे करके सुदामा की पत्नी 10-15 घरों में गई तो 2-4 घरों में एक एक मुट्ठी चावल का मिला, लेकर के आई है, एक वस्त्र में बांध दिया और कहा कि आप अपने मित्र के ले जाने के लिए मैंने व्यवस्था कर दी है। सुदामा जी देखने लगे कि अब मित्र से मिलने के लिए जाएं तो अपने वस्तु की व्यवस्था हो गई है। घर से जब सुदामा जी निकले हैं तो भगवान का स्मरण करते करते जा रहे हैं। देखो, कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलो ना तो 4 बार भगवान नारायण का नाम लेकर के निकलोगे तो आपका हर कार्य सफल होगा।
मदन मोहन मालवीय जी का नाम सुना आपने, जिन्होंने हिंदू राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वो किसी के यहाँ पर कोई कार्य के लिए जाते हैं, सफल हो जाता कार्य। तो किसी ने पूछ लिया कि मालवीय जी आपके पास ऐसा क्या मंत्र है, आप जिस कार्य को करते हैं वो सफल हो जाता है, कभी असफल नहीं होते। तो मालवीय जी ने कहा कि आप मैं करूं वैसा करो तो आपको भी बता दूं। आपको भी बताऊं क्या? जब भी घर से निकलो ना, अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के नहीं, जब भी घर से निकलो तो चार बार नारायण 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 कह करके निकल जाना, आप हर कार्य में सफल हो जाओगे। कभी आप कोई यात्रा पे जा रहे हैं, कोई बिल्ली रास्ता काटती है, लोगों के बहुत बेम बढ़ जाता है, बोले बिल्ली रास्ता काट, उस समय भी आप चार बार नारायण नारायण कह करके निकल जाना। तो सुदामा जी अपने घर से कुटिया से निकले हैं तो भगवान का स्मरण करते करते निकले हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चलिए भगवान का स्मरण करते करते, जैसे ही सुदामा नगरी को पार किया, दो तीन किलोमीटर चले सुदामा जी तो थक गए। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ और चले, पास में समुद्र पड़ गया, अब जाएं कैसे। नाविक लोग आवाज लगा रहे हैं, भाई कोई चलने वाला है। सुदामा जी दौड़ करके नाविक के पास गए, हाँ भाई हम जाएंगे, क्या तुम उस पार उतार दोगे क्या? नाविक कहता है कि हमारा तो काम यही है कि इधर वाले को उधर और उधर वाले को इधर लाना ले जाना काम है हमारा तो। सुदामा जी नाविक के कहने पर नाव में बैठ गए, नाव चलने लगी तो नाविक ने पूछ लिया कि ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? बोले वो द्वारिका का राजा है ना कृष्ण, उससे मिलने के लिए जा रहे हैं। नाविक हंसने लगा, महाराज क्या बात करते, तन पे नहीं कपड़ा, जल्दी कलकत्ता। वो द्वारिका का राजा आपका मित्र हो सकता है? सुदामा जी कहने लगे वो हमारा लंगोटिया यार है, हम उसके साथ में विद्या अध्ययन की है। नाविक ने इस पार से उस पार लगा दिया, सुदामा जी चले हैं। थोड़ी दूर चले, थकान महसूस हुई, एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। हे कृष्ण तुम्हें द्वारिका बुलाना हो तो तुम बुला लो, हम तो थक गए सो गए। इधर द्वारिकाधीश प्रभु रात्रि से भोजन नहीं कर रहे हैं, अपने सैया पर बैठे हैं, सुदामा को देख रहे हैं, कब तक सुदामा चलेगा, कब पहुंचेगा और कब मैं प्रसाद पाऊंगा। रुक्मिणी जी कहते हैं कि प्रभु सवेरा हो गया, आप रात्रि भर सोए नहीं हैं, आप स्नान कर लो फिर भोजन कर लो। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि मैं रोज स्नान करके भोजन करता हूं, आज तो मैं भोजन करके स्नान करूंगा। द्वारकाधीश प्रभु रुक्मिणी जी से बातें कर रहे हैं, रुक्मिणी जी बार बार कह रही है कि प्रभु आपकी लीला हम समझ नहीं पाए। तो भगवान द्वारकाधीश कहते हैं कि अभी सब समझ जाओगे रुक्मिणी, आप चिंता मत करो। महाराज भगवान द्वारिकाधीश योग माया को आदेश दिया है, तो योग माया ने सीधा सुदामा जी को सोते सोते द्वारिका के वृक्षों के नीचे लाकर सुला दिया। थोड़ी देर में सुदामा जी जगे हैं, पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है? लोग कहने लगे कि ये द्वारकापुरी है।
ये द्वारिका है, ये तो मेरे कृष्ण की द्वारिका है। सुदामा जी कहने लगे यहां पर मेरे कन्हैया को मकान कौन सो है। बड़े नगरों का क्या कहना, कोई किसी से बात नहीं करता। सुदामा जी द्वारिका में चारों तरफ घूम रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया मेरे कन्हैया को मकान कौन सो है, बताओ तो सही। पूछे भी ने काहू को काहू से ने करे बात, देवता से बेटे सब साधे साधे मोन है। एक ते सरस एक द्वारिका के भवन है, पूछे भी ने काहू को काहू से ने करे बात। सुदामा जी चारों तरफ द्वारिका में घूम रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं भैया इस द्वारिका में हमारे कन्हैया को मकान कौन सो है, बताओ तो। महाराज कोई किसी से बात नहीं करता है। एक भले व्यक्ति से मिले और पूछा भैया यहां पर मेरे कन्हैया को मकान कौन सो है, तो एक व्यक्ति कहने लगा महाराज ये सीधा मार्ग द्वारिका के भवनों की ओर जाएगा, 16108 भवन है भगवान के। सुदामा जी कहने लगे 16108 भवन है, हमारे तो एक कुटिया भी नहीं है। उस भले आदमी ने कहा कि आप द्वारिका के भगवान राजा हो गए, उसको कन्हैया मत कहना। तो सुदामा जी कहने लगे अरे कहना तो मेरे को बहुत कुछ है। तो आज द्वारपालों से कहने लगे अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता देवकी नंदन वसुदेव नंदन 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 ब्रज नंदन यशोदा नंदन, हम जैसे ब्राह्मण को दर्शन देने की कृपा कौन से राज प्रसाद में करेंगे।